मणिपुर की बात करने तो। भाई थोड़ी देर, मान्यवर अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूं। मान्यवर मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। हम भी सहमत नहीं, उनसे ज्यादा दुख हमें है, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर मैं बताता हूं, ओके प्लीज, ये गलती आपकी है यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा मेरे सारे प्लीज प्लीज, गलती आपकी है। हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमें हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहां सियासत किए? प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, मान्यवर एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर से चर्चा, मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाओ। प्लीज बैठो 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 प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर मैं डे वन से चर्चा के लिए तैयार, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना। और मैं कहना चाहता हूं मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे, किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं मान्यवर? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो, 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा, आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा, इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, यूपीए का अप्रोच है, हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा, इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर 6 साल से, करीब करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से
तीन मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए, 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा, मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा, मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फंड ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू किया, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, मान्यवर वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया, अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे, कहाँ बसेंगे तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी। हमने उसको देखा उसी वक्त, मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की, हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था, 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहां जनसंख्या की बहुत निर्णायक होती है, मान्यवर घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं, तो एक जनसंख्या के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग लगभग जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की, उनका थंब इंप्रेशन लिया, आई इंप्रेशन लिया और थंब इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वॉटर लिस्ट और आधार कार्ड